ये होती है औलाद की तरबियत जी। मामू से बात करनी पड़ेगी तरबियत के बारे में। सरबत भाई। भाई मेरी जान लेगा। आपने अब्बा से झूठ बोला है ना? कैसा झूठ? यही कि आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान हुआ है, लेकिन वो नुकसान हमारे रिश्ते से बढ़ के नहीं है जो हम दोनों घरों के बीच में है। मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। I know, तुमने मना भी करने की कोशिश की होगी। मुझे पता होता तब मना करती ना मैं, मुझे कुछ पता ही नहीं था। अच्छा मुझे एक चीज बताएं, ये कमर का दर्द कैसे ठीक करते हैं? लगता है बहुत जज्बाती होकर योगा कर लिया था मैंने। आपको मैं एक क्लिनिक भेजूंगी, मसाज कराएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। वाकई? जी। मुश्किल काम नहीं है योगा वगैरह? नॉट एट ऑल। चलता हूँ। सॉरी, 2 दिन के अंदर अंदर आपकी पूरी रिकवरी करवा दूंगी मैं। और अपने बाबा से कह दीजिएगा दोबारा मेरे बाप को बेटा ना होने का ताना मत दें। ददू समर्थ भाई के रेस्टोरेंट की वीडियो तो आपको बनानी होगी। मैं मर जाऊंगा लेकिन दुश्मनों के काम नहीं आऊंगा, बता दिया तुम्हें। ददू ये भी तो दुश्मनों के मुंह पे थप्पड़ होगा। अरे जब मैं मर जाऊंगा ना तो मेरी लाश से बनवा लेना वीडियो। ददू प्लीज ना, 1 मिनट की वीडियो बना देना। मगर उससे होगा क्या भाई? देखिए आपके फैंस का रश बढ़ेगा उस रेस्टोरेंट में, फिर 1 दिन में हो जाएगी हमारी सारी रिकवरी। बेबी जब तक ये गले वाली फील खत्म नहीं होती मैं कोई काम नहीं करूंगा बस। दद्दू बाय गॉड मटन का गोश्त था, मैंने खुद सुना था, आदम आंटी को बता रहा था। अरे तुम पागल हो गया? उसने कहा और तुमने यकीन कर लिया बस? अरे दद्दू वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए कह रहा था, आप खुद सोचे वो ऐसा गोश्त क्यों रखेगा अपने रेस्टोरेंट में। और प्लीज दद्दू आप बार बार एक चीज का नाम लेना बंद कर दें और बस उस चीज पे फोकस करें जो मैं कह रही हूँ। एक तो मुझे तुम्हारा यू टर्न नहीं समझ में आता, या तो उसके खिलाफ हो जाती हो या फिर उसके हक में नारे लगाने लगती हो। ददू ही ठंडा इंतकाम है, लेकिन सोचे हमारे दुश्मनों के बिजनेस में इजाफा होगा, वो भी हमारी वजह से, ताकि ये दाग तो उतरे कि हमारी रस्म का नुकसान हुआ है। मेरी बिटिया ये टोपी तुम पे बहुत जचती है, तुम पहनो, मुझे पहनाने की जरूरत नहीं है, ये हटो यहाँ से। अरे ददू।